पंडित केदारनाथ शर्मा हॉस्पिटल व चैरिटेबल ट्रस्ट एवं रोटरी क्लब अंबाला सेंट्रल द्वारा हिमायूपुर में चलाए जा रहे सिलाई केंद्र पर परीक्षण ले रही महिलाओं को कोर्स पूरा होने पर सर्टिफिकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही और कोर्स करने वाली महिलाओं को सर्टिफिकेट वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान उन महिलाओं को सिलाई मशीनें भी ट्रस्ट की तरफ से दी गई, जिन्होंने कोर्स के दौरान 90% से ज्यादा हाजिरी लगाई है। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सिलाई सेंटर चलाए जा रहे हैं। आज उन्हें बेहद खुशी हुई जब महिलाओं ने बताया कि वह इस प्रोग्राम में अपने द्वारा सिलाई किए गए कपड़ों को पहनकर आई हैं। इस दौरान महिलाओं ने ब्यूटी पार्लर व अन्य कोर्स करने की इच्छा जताई है। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि वह प्रयास करेंगी कि महिलाओं को वह कोर्स भी उपलब्ध करवाए जा सके। बहुत खुशी हुई है आज कि यहाँ पर 26 लड़कियां थी जिन्होंने सिलाई सेंटर में एडमिशन लिया था और 6 महीने का प्रशिक्षण पूरा किया उन्होंने। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि वो खुद अपने हाथ के सिले हुए कपड़े पहन के आई, अपनी सास को भी लेके आई साथ में, जिनको उन्होंने अपने सिले हुए कपड़े पहनाए थे। तो बहुत मन खुश हुआ, कम से कम इतना आत्मनिर्भर बच्चे हो गए हैं कि वो अपने घर के कपड़े खुद सिल पा रहे हैं और जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो बाहर के भी सिल पाएंगे। बहुत खुशी हुई इस बात से। देखिए सिलाई मशीन का महत्व मेरा ये था कि बच्चों को थोड़ा इंसेंटिव दिया है ताकि बच्चे सीरियसली अपने काम को लें और 100% अपनी अटेंडेंस रखें और कुछ सीखें। ये नहीं है कि जो बच्चों की अटेंडेंस कम थी उन्होंने नहीं सीखा होगा, कुछ जरूर सीखा होगा पर लेकिन उतना नहीं सीख पाए जितना बच्चों ने ज्यादा अटेंडेंस के साथ सीखा है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखें और उसका लाभ उठा सकें। हाँ, मैं आते ही जैसे मैं पहुंची हूँ ऐसे ही बच्चों ने अपने सर्टिफिकेट के अलावा सबसे पहले मेरे से कहा कि हमें डांस क्लास लगवा दीजिए, हम डांस सीखना चाहते हैं, हम ब्यूटिशियन का कोर्स सीखना चाहते हैं। तो मैं उनकी ये डिमांड पूरी करूंगी जरूर, जल्द से जल्द उनका कोर्स का इंतजाम करेंगे किस तरह से उनको सिखाना है, उनका ये भी कोर्स पूरा करवाऊंगी। देखिए सरकार भी यही चाह रही है और सरकार ने आपने देखा होगा पिछले दिनों भी सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जिसमें महिलाओं को सशक्त करना उनका एक बहुत बड़ा पहलू है। और मेरी ये कोशिश रहती है कि जो चीज अगर सरकार के उसमें से रह गई हो अगर हम भी कुछ कोशिश करें हम उसमें योगदान कर सकें तो वो हम कर हमारा एनजीओ करने की कोशिश करता है। जैसे रोटियों के साथ मिलकर हमने ये सिलाई प्रशिक्षण का काम शुरू किया है, ये 7वां गाँव है जहाँ पर हम बच्चों को सिखा रहे हैं और 25-30 बच्चियां हर सेंटर में सिलाई सीख रही है और कईयों के 6 महीने पूरे हो गए हैं, कईयों का साल पूरा हो गया है। तो बहुत आत्म एक मुझे बहुत संतुष्टि है इस बात से कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूँ। इसके लिए हमने केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में ये 6ठा सेंटर था जो सिलाई केंद्र खुला हुआ है, केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट रोटरी क्लब माला सेंटर की सोच एक ही है कि हम नारी शक्ति को कैसे आगे लेके आए। और इसमें जो हमारी मेयर मैडम है शक्ति रानी जी, उनके और उनके परिवार की दिली इच्छा है कि हम समाज में नारियों को और जागरूक करें और उनको आगे कुछ 4 पैसे का इनकम का साधन बने, घर के परिवार के बच्चों के कपड़े सी सके। वो उसी कड़ी में आज हम यहाँ पे जिन बच्चों ने हमायूपुर में 6 महीने का कोर्स पूरा किया है उनको हम उनका सर्टिफिकेट देने आए हैं। और 14 बच्चे ऐसे हैं इसमें जिन्होंने 90% से ऊपर अटेंडेंस ली है, उनको सारे बच्चों को नई मशीन गिफ्ट की है, सम्मान के रूप में दिया है कि वो बच्चे आगे चल के अपनी जीविका कमा सके। और उसके साथ साथ आज यहाँ के बच्चों ने और यहाँ के जो और सम्मानी लोग हैं उन्होंने एक और अपनी इच्छा शक्ति रखी है कि हम बच्चों को ब्यूटी पार्लर के बारे में और नृत्य के बारे में कुछ सहयोग करें। तो मैं मेयर शक्ति रानी के ब्याप पे और रोटरी क्लब बाला सेंटर के ब्याप पे एक अशोरेंस दे के जा रहा हूं, हम आने वाले 15-20 महीने में यहां पे ब्यूटी पार्लर कोर्स शुरू कर देंगे और जिन बच्चों ने नृत्य सीखना है उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि कोई टीचर शहर से हफ्ते में 1 या 2 दिन इनको आगे सिखाए या ये बच्चे अगर कोशिश करके शहर आना चाहे तो हम इनको फ्री कोचिंग देंगे, उसमें कोई भी पैसे इनका चार्ज नहीं करेंगे। धन्यवाद।
पंडित केदारनाथ शर्मा हॉस्पिटल व चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शुरू किए गए सिलाई सेंटर में कोर्स करने वाली महिलाओं ने कहा कि इस केंद्र का लाभ उन्हें मिला है, वह सिलाई सीख पाई हैं। महिलाओं ने कहा कि वह मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद करती हैं, जिन्होंने यह केंद्र खोलकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद की। मेरा नाम रिंकी मित्रा है और इस कोर्स से हमें बहुत फायदा हुआ है। इससे हम खुद में कपड़े सिल सकते हैं, दूसरों के सिल सकते हैं और नए नए डिजाइन भी सीखे हैं हमने। और मतलब ऐसे कोर्सेज मिली हैं कि लड़कियों को जो फाइनेंशियल जिनको प्रॉब्लम थी वो नहीं कर पा रही थी, उनको ये चीज करने में मदद मिली है और सबने बहुत दिल से सीखा है। थैंक यू। मेरा नाम मनप्रीत कौर है। मैंने यहाँ पे 6 मंथ का सिलाई सेंटर कोर्स किया था और मुझे इससे बहुत ही बेनिफिट हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा सीख के सिलाई सेंटर। मैं यही देखूंगी कि मैं इसी काम को आगे खुद का करूं, ये इसलिए मैं इस काम के लिए बहुत सच पाई। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।